Welcome back friends in my YouTube channel. Okay, in this video we will discuss about a topic which is based on tally course. Okay, तो देखते हैं टैली होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो हमको पता चलना चाहिए कि टैली का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, देखो टैली का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजेक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड. ओके, देखो नाम में ही क्या है, ट्रांजेक्शन. ठीक है, एक स्टोरी बताता हूँ तुम लोगों को, उसके हिसाब से हम समझते हैं टैली क्या है. ठीक है, देखो परफेक्ट नॉलेज था किसको, रोहित को. ठीक है, किसका, स्टडीज का. स्टडीज मतलब वो चाहे स्पेसिफिक कोई कोर्स का हो गया या फिर कोई प्रिंसिपल्स का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का. ठीक है, परफेक्ट नॉलेज था, पर इसके पास क्या था, स्किल नहीं था. और ये क्या था, मतलब पुराने जमाने का था. ठीक है, आया सुमित. आया, ठीक है, सुमित के पास क्या है, एग्रीगेट नॉलेज है. ठीक है, ओवरऑल पूरा नॉलेज है उसके पास, प्लस उसके पास क्या है, स्किल है और प्रैक्टिकल अप्रोच है. प्रैक्टिकल, हाउ टू डील विथ प्रैक्टिकल अप्रोच. ओके, ये चीज़ है उसके पास. और एक्सेल और डाटा एंट्री का क्या है, सुमित मास्टर है. ठीक है, अब ये देखो ये क्या था, ये जो है ये अपना क्या है, ये है अपना रोहित. ठीक है, अब क्या हुआ, ऑनलाइन जैसे क्या हुआ, ऑनलाइन जैसे ही अपना मार्केट शिफ्ट हुआ. ठीक है, ऑनलाइन जैसे ही अपनी को न्यू टेक्नोलॉजी हम जब एडॉप्ट करने लगे, ठीक है, जनरेशन जब ऑनलाइन में आया तो क्या हो गया, रोहित को प्रॉब्लम होने लगा भाई, क्योंकि इसके पास क्या था, नॉलेज नहीं था किसका, प्रैक्टिकल अप्रोच का. ठीक है, पेपर नॉलेज तो इसके पास पूरा अप्रोच है. ठीक है, बट इसके पास क्या है, इसको एक्सेल चलाना नहीं आता था. ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री करना नहीं आता था, किसमें, ऑनलाइन. अब क्या है भाई, ऑनलाइन का पूरा जनरेशन है. ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन भाई, क्विक टू क्विक काम होना चाहिए. ठीक है, ये चीज़ था. तो यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ पर से देखो टैली का क्या हुआ, जनरेशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब देखो बैंक क्या था, बैंक वाले सेक्टर, ये सब एग्जांपल चल रहे. ठीक है, बैंक वाले सेक्टर में क्या हुआ, देखो हमको क्या हुआ, रिक्वायरमेंट लगा किसका भाई, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको क्या आना चाहिए भाई, प्रॉपर डाटा एंट्री आनी चाहिए. ठीक है, और क्या करनी चाहिए, ट्रांजेक्शन एंट्री पूरी आनी चाहिए उसको. ठीक है, और पहले क्या होता था हिस्ट्री में भाई, पेपर वर्क में सब होता था काम. ऑनलाइन भाई पेपर वर्क में बहुत डिले होता था, जैसे ही ऑनलाइन शिफ्ट हुआ भाई, आज डे टू डे वे में तुरंत क्विक टू क्विक क्या क्या हो जा रहा है, हमारा काम कंप्लीट हो जा रहा है. ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच में रिक्वायरमेंट लगा अपने को. ठीक है, तो क्या हुआ, टैली क्या हुआ, वहाँ से अराइज हुआ. ठीक है, टैली क्या किया, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया सबको. अब टैली हमको पता है क्या, ट्रांजेक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड. ठीक है, देखो टैली बेसिकली हमको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है, 3 to 4 months, 1 to 3 months इतने में अपन सीख लेते हैं. बट ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है जो सीख रहा है. ठीक है, इसका प्रॉपर क्या होता है, डिप्लोमा भी होता है और डिग्री भी मिलती है. ठीक है, अब देखो टैली कोर्स कवर क्या करता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैलकुलेशन पार्ट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क. ठीक है, ये सब चीज़ में तो डिलीट इंक्लूड करता ही है. बट भैया एक बात बताओ, अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या हम मैनेजमेंट सीखेंगे क्या इसमें, नहीं मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे. आप सीखोगे, देखो मैनेजमेंट काम करने का काम किसी और का है. ठीक है, लेकिन उसको एंट्री ट्रांजेक्शन करना उस चीज़ का, भाई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी एंट्री को आप सेव करके रखोगे अपने माइंड में बताओ. ठीक है, ये सब चीज़ के लिए क्या अपने को क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए जो क्या वो अप टू डेट रहे, इसमें ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी अपने पास क्या है वर्क्स हैं. ठीक है, ऑनलाइन क्या करना, शिपमेंट करना. ठीक है, ऑनलाइन एंट्री पास करना. ठीक है, मार्केटिंग स्किल में देखते हैं भाई, मार्केटिंग स्किल तो पूरा ऑनलाइन शिफ्ट होने वाला है. ठीक है, उसमें क्या होता है, इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बायर सेलर्स के बीच में, ये सब की एंट्री पास करना भाई, ये सब जो एग्रीगेट हम निकाल रहे हैं, यही सब चीज़ के लिए हमको क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए जो क्या करे, ये सब चीज़ को मैनेज कर सके. हमारे पास नॉलेज तो है, किसी के पास नॉलेज तो है इसकी पूरी, लेकिन भाई ये ऑनलाइन वे में उसको करेगा कौन, हाँ करेगा कौन, यही टैली क्या सिखा रहा है हमको, टैली यही सिखा रहा है. टैली कोर्स में हम यही सब चीज़ सीखते हैं. ठीक है, आईटी सेक्टर हो गया. ठीक है, अपने को एक्सेल कैसे बनाना है, शीट कैसे बनानी है, एमएस वर्ड का पूरा नॉलेज हो गया, डाटा एंट्री हो गया, ऑर्डरिंग प्लेसमेंट हो गया, ये सब चीज़ हो गया. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या लगता है, 10+2 आप कर सकते हो, 12th मतलब. ठीक है, जॉब ऑफर देखो, टैली में अपने को जॉब ऑफर कैसे मिलता है, आप तो या तो क्या करो, इसकी डिग्री कर लो. ठीक है, डिग्री प्लस इसका अगर आप डिप्लोमा वगैरह कर लेते हो, ठीक है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है. ठीक है, कंपनीज हायर कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप वहाँ पर क्या करोगे, अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करोगे. ठीक है, देखो टैली में हम देखते क्या है, कंपनी की डाटा एंट्री देखते हैं, कंपनी के फीचर्स मतलब टैली कोर्स में ये सब इंक्लूडेड है ना, ये सब चीज़ वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को. वाउचर एंट्री हो गया, ऑर्डर एंट्री हो गया, बैंकिंग कॉन्फिगरेशन हो गया, ये सब चीज़ से रिलेटेड हम क्या करते हैं, टैली में कोर्स को डील करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं. ये जो स्टडी है किसमें बेस होगा, प्रैक्टिकल बेस होगा. ठीक है भाई, इसके नॉलेज देखो, अब क्या देखो कंपनी फीचर में ऑर्डर एंट्री, भाई ऑर्डर एंट्री होता क्या है, ये सब चीज़ एक पर्सन को पता है. अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है भाई कौन सा ऑर्डर कहाँ प्लेस होगा, ये होगा. ठीक है, लेकिन सपोज करना, हालांकि आर्टिकलशिप में वो टेक्निकल अप्रोच सीख लिया रहता है, सपोज करना उसको एक्सेल या फिर वो किसी में भी एग्जूम कर रहा हूँ एक्सेल, ठीक है, या फिर उसको एंट्री पास करनी, उसको सीट में ऑनलाइन पोस्ट करना है, उसको नहीं आ रहा, वो क्या करेगा, टैली भाई, जिसको टैली अच्छे से आता होगा, जिसको ऑनलाइन जो फ्री होगा उसी को ना हायर करेगा वो,
ये बात हो गया। अब तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि टैली क्यों आ रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। वाउचर एंट्री, भाई देखो वाउचर एंट्री मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। क्या होता है, कोई भी ना गुड्स आता है, गुड्स का कंसाइनमेंट होता है, ठीक है। गुड्स का क्या होता है, कंसाइनमेंट होता है। देखो गुड्स का क्या होता है, कंसाइनमेंट होता है। देखो पता हो, ये हो गया आपका गुड्स, ठीक है। ये गुड्स आपका जा रहा है किसमें, बस में जा रहा है, ठीक है। ये गुड्स आपका बस में जा रहा है, ठीक है, दूसरे प्लेस में जा रहा है, बिजनेस प्लेस, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, एंट्री होती है, उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं, जिसको हम गुड्स शिफ्टिंग करते हैं। उसकी हर चीज की एक वाउचर होती है, वाउचर प्रिपेयर होता है, ठीक है। हर चीज की एंट्री करना, भाई ये नॉर्मल पर्सन तो कर नहीं सकता, जो अप टू डेट रहेगा नॉलेज के साथ, ठीक है, एज पर जनरेशन वो ही कर सकता है ये चीज बात, ठीक है, ये समझे। अब देखो ये हो गया, बता दिया तुमको जॉब अपॉर्चुनिटी। हाँ, मेरे अप्रोच में अगर तुम लोग देखोगे ना, टैली को हमेशा किस में रखो पता है, सेकेंडरी अप्रोच में रखो, सेकेंडरी अप्रोच में रखो। फर्स्ट अप्रोच आपका कोर्स टैली नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। सेकेंडरी अप्रोच में रखो, क्यों, रीजन सिंपल है भाई साहब। देखो आज के डेट में ना AI इतना बढ़ गया है कि एंट्री भी AI करने लगा है, ऑनलाइन एंट्री के वेबसाइट्स आ गए हैं, ठीक है। अब कोर्स को ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, कोर्स को ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आर्टिकलशिप में ही, जब उसको इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल अप्रोच एड ऑन कर रहे हैं, किसमें, सब सब्जेक्ट में, ठीक है। तो टैली एंट्री पास करना, ऑनलाइन शिफ्टिंग करना, कंप्यूटर मैनेज करना, ठीक है, ये सब जो चीज हो रहा है वो उसी में हमको क्या सिखा दे रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब आज के डेट में कोर्स ऐसा डिजाइन हो गया है कि ये सब चीज क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं। तो भाई इसमें अगर आप सोच रहे हो कि हम जॉब मिल जाए अपने को, तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आप डिग्री करो, डिप्लोमा करो, तो आप बिल्कुल आप इसमें जा सकते हो। बट आप एक बात बताओ, जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा तभी आपकी नीड होगी, नहीं तो आज की डेट में हर पर्सन को वो चीज सिखाया जा रहा है। आप समझ रहे हो किस लेवल में बात हो रही है, ठीक है। तो बात यही था। अब देखो देखो, मैं जैसे कि जयपुर का वो देखा, ये क्या रॉन्ग स्पेलिंग है, ठीक है। देखो ये देखो क्या है, गुड्स एंड, हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, GST, लेजर, ग्रुप्स हो गया, बिल्स हो गया, बिल्स रिक्वायर्ड पेमेंट वाउचर, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सब क्या है, ये सब तो देखो रिक्वायरमेंट, देखो ना, देखो ये जो बात कर रहा है, GST में टैली का क्या रिक्वायरमेंट हो रही थी, ठीक है। जयपुर सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा वो है ना, ये सब चीज़ का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ ये सब चीज़ होती है। देखो परचेज वाउचर, ये सब आप अकाउंट्स में सीखते हो बेसिकली, ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसे एग्जांपल के लिए टैली, ठीक है। देखो ये सब चीज आप फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, यही सब चीज को पास करना क्या होता है, ये सब चीज को इसमें ऑनलाइन वे में पास करना, कंप्यूटर में सीखना, यही सब चीज क्या होता है, टैली होता है। अब देखो एक पर्सन कितना ही करेगा, एक पर्सन कितना ही, आप बोलोगे, आप एक पर्सन के पास नॉलेज भी है, प्लस आपके पास, ठीक है, देखो वो नॉलेज भी रखा है, ठीक है, प्लस वो सपोज वो ओनर भी है, वो, ठीक है, वो रन भी कर रहा है बिजनेस को, प्लस अब वो टैली वर्क भी वो सीखे, एक्सेल सीखे, भाई इतना सारा चीज करने में सही, इससे अच्छा मैं एक पर्सन हायर कर लूँ, ठीक है, जिसको इसका नॉलेज हो, प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच हो उसके पास पूरी, ये चीज ज़्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक सो। ओके, तो इन दिस वीडियो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि भैया जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हम कैसे अप्लाई करें, कोर्स का डिज़ाइन क्या है, ठीक है, वो बात कर लेंगे। हाँ देखो, डिप्लोमा या फिर आप अगर डिग्री करोगे तो आई थिंक सो 1-3 ईयर लगता है, बट मैं एक चीज़ बोला ना, हमेशा इसको क्या रखना है, एक सेकेंडरी अप्रोच रखना, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।